हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमें यह सब कुछ नहीं पता चलता अगर 718 और 719 नंबर नहीं आए। आप में से किसी को कुछ नहीं पता चलता, हम सब एक्सेप्ट कर लेते कि नीट का कट ऑफ बढ़ गया है, कुछ नहीं पता चलता। अगर ये स्कोर नहीं आए होते तो बवाल नहीं मचता, क्वेश्चन नहीं उठता और एनटीए साइलेंट रहता, कभी किसी को नहीं बताता कि इस साल हमने ग्रेस नंबर्स दिए हैं। 1763 बच्चों की एनरोलमेंट नंबर ग्रेस नंबर के साथ। एनटीए वालों को मेरा नमस्कार। नीट में हुए रीसेंट स्कैम के ऊपर मेरा एनटीए से 4 सवाल है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया उन 1563 बच्चों की हमें लिस्ट चाहिए। कल की नोटिस में आपने बोला था 1563 बच्चे हैं, मुझे पूरी लिस्ट चाहिए एनरोलमेंट नंबर के साथ। ये मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है आजाद देश के अंदर। दूसरी बात, किस बच्चे को कितना ग्रेस नंबर दिया, किस बेसिस पे दिया, कितना टाइम लॉस हुआ, ये भी मुझे जानना है। तीसरी बात, आपने बताया 4 स्टेट के अंदर बच्चों का टाइम लॉस हुआ, तो फिर एक स्टेट के एक ही सेंटर से सारे बच्चों के 720 क्यों आए हैं, 719, 718 सब एक ही सेंटर में क्यों है, बाकी सेंटर्स क्यों नहीं। चौथा सवाल, आपने बोला 4 स्टेट के कुछ सेंटरों के अंदर टाइम लॉस हुआ और हमने वहां पे ग्रेस नंबर दिए हैं, तो अगर मैं 4 स्टेट के अंदर 4 सेंटर भी जोड़ता हूं और 500 बच्चा भी एक सेंटर पे जोड़ता हूं तो 2000 बच्चे हैं, तो सिर्फ 1563 बच्चे कैसे हैं, मुझे जानने का हक है। मुझे लिस्ट चाहिए 1563 बच्चों की एनरोलमेंट नंबर ग्रेस नंबर के साथ। थैंक यू सो मच, आप फोर्थ फ्लोर पर आ जाएं, वहां चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू।